Myself Vikrant Chai, I am your science teacher from the Indian Evolutionary School. तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था डिफरेंसेज बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल एज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक सिंगल सेल का भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है और एक से ज़्यादा यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जिनकी बॉडी जो पूरी बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, एक सिंगल सेल की बनी होती है, ठीक है। तो कई बार जो ये एक सेल जो होता है ना एज अ ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सारे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जिस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स क्या करता है, अपने लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारा एक सिंगल सेल जो होता है एज एन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं, ठीक है। और ये हर तरीके के लाइफ फंक्शंस को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो आज कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बताऊंगा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं और सारे लाइफ फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सम सेल्स कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड लाइफ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, अकेले परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स। और ऐसे ही ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमनस, यूग्लेना एंड यीस्ट, ये सारे कैसे हैं, सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले नोट कर लेते हैं, फिर एक एक करके अमीबा के बारे में, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लेना, ठीक है, क्लाइडोमनस एंड यीस्ट के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनके बॉडी के अंदर जो एक सिंगल सेल है वो लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे, सम सेल्स कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड लिव इंडिपेंडेंटली ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, और अकेले खुद अकेले इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ठीक। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमनस, यूग्लेना एंड यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। तो सेल एज एन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, और ये एक ही सेल जो होता है एज एन ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल्स जो सारे लाइफ के बेसिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है, जो अकेले जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर और
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने बताया अमीबा, पैरामीशियम, कैलिमडोमनस, ठीक है, योग्लेना और यीस्ट, ये सारे किसके एग्जांपल थे, हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स के एग्जांपल थे, ठीक है। अब वन बाय वन करके हम लोग, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमनस, योग्लेना और यीस्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने लाइफ के बेसिक एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है, जो बेसिक फंक्शंस हैं लाइफ के, उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, अमीबा से, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, अमीबा, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अमीबा, ठीक है। तो अमीबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये कैसा होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया भी था आपको, ठीक है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल, ये कैसा एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल होता है और यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अमीबा इज इरेगुलर शेप विच कीप्स ऑन चेंजिंग स्लोली, और अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, ये हमेशा अपना शेप क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, स्लोली इसका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इट हैज़ अ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी विच आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ये अपने बॉडी जो उसकी बॉडी होती है, ठीक है, इस पर कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक। अमीबा मूव स्लोली एंड कैचेज इट्स प्रे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, अमीबा क्या करता है, बहुत स्लोली मूव करता है वाटर में, ठीक है, और ये अपने प्रे को, अपने शिकार को किसके हेल्प से पकड़ता है, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। फूड टेकन इन अमीबा इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, और अमीबा जो फूड इंगल्फ करता है अपने बॉडी के हेल्प से, ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है, ये कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके से अमीबा जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लाइफ फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, अमीबा हैज इरेगुलर शेप which keeps on changing slowly। तो अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, इसलिए इसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। और अमीबा का जो शेप होता है मैंने बताया वो इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो हमेशा स्लोली उसके शेप को क्या करता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो अमीबा होता है, ठीक है, उसका जो बॉडी का शेप होता है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने बनाया हुआ, ठीक है। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। It has projection on its body, which are called pseudopodia, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, pseudopodia कहते हैं, ठीक है। Amoeba moves slowly and catches its prey with the help of pseudopodia। यानी अपने इसी pseudopodia के हेल्प से क्या करता है, अमीबा जो है अपने प्रे को, अपने शिकार को क्या करता है, कैच करता है, ठीक। और अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। तो अमीबा के बॉडी के अंदर जो फूड होता है, ठीक है, जो इसको इनगल्फ करता है, कोई भी फूड पार्टिकल, ठीक है, जो इसके बॉडी के अंदर जाता है वो वैक्यूल्स में जाके क्या करता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अमीबा एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि किस तरीके से जो अमीबा एक सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है लाइफ फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल का बना हुआ, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कहाँ पे रहने वाला, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका जो शेप होता है बॉडी का वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, मीन्स ये कोई फिक्स्ड शेप का नहीं होता, ठीक है।
इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप स्लोली, और ये हमेशा अपने शेप को क्या करता है, स्लोली चेंज करता रहता है, ठीक है। इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। अमीबा क्या करता है, इन्हीं अपने बॉडी के इरेगुलर शेप और ये जो स्यूडोपोडिया उसकी हेल्प से, ठीक है, क्या करता है, स्लोली मूव करता है और अपने शिकार को, अपने फूड को कैच करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया, ठीक है। और जो फूड होता है उसके बॉडी के अंदर कहाँ डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल में, ठीक है। कोई सा भी फूड पार्टिकल है ये अपना जो प्रोजेक्शन होता है वो इस तरीके से क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक। और फिर इसको क्या कर लेगा, पूरी तरह अपने अंदर क्या कर लेगा, इसको इनगल्फ कर लेता है। तो इस तरीके से अमीबा जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे हमारे अगले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, जो कि क्या है, पैरामीशियम, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमनस, युगलिना और यीस्ट, ठीक है, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये जो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, इनके फिगर आपके बुक में दिए हुए हैं, ज़्यादा क्लियरली दिए हुए हैं, ठीक है। उनको यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप उसको अपने बुक से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा उसके शेप और साइज के बारे में, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा पैरामीशियम है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल एज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको क्लियर हो गया होगा, यानी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सारे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल एज ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा जो अगला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। ये हमारा अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले, ठीक है। अमीबा इज अ स्लीपर शेप्ड इरेगुलर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। अमीबा भी आपका क्या होता है, एक एक्वेटिक एनिमल होता है, और ये स्लीपर शेप्ड होता है, यानी जिस तरीके से आपका स्लीपर का शेप होता है कुछ इस तरीके से क्या होता है, अमीबा, सॉरी, पैरामीशियम का शेप होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, एक्वेटिक एनिमल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, पैरामीशियम, पैरामीशियम इज अ स्लीपर शेप्ड, पैरामीशियम इज अ स्लीपर शेप्ड यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल। इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल हेयर, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया, कॉल्ड सीलिया। इसके पूरे बॉडी के ऊपर, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं चारों तरफ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर ये जो हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सीलिया, ठीक है। तो पैरामीशियम क्या होता है, एक स्लीपर सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्लीपर के शेप का होता है, ठीक है। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, इट मीन्स ये किसका बना होगा, एक सिंगल सेल का बना होगा, ठीक है। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से और इसके बारे में बात करते हैं, इट हैज़ टू न्यूक्लियाई, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। हमने पढ़ा है कि सेल के जो एक बेसिक पार्ट के बारे में, ठीक है, कि हर सेल के पास तीन बेसिक पार्ट होते हैं, जो कि हमारे कौन कौन से थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस होता है, बट इसके पास कैसे होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। इट मूव्स फास्टर विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ये अपने सीलिया के हेल्प से क्या करता है, बहुत फास्टर मूव करता है इन द वाटर, ठीक है। इसको नोट कर लिए, इट हैज़ टू न्यूक्लियाई, वन इज मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, एंड माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इट मूव्स फास्टर विद द हेल्प ऑफ सीलिया, तो ये क्या करता है, वाटर के अंदर बहुत फास्ट मूव करता है अपने सीलिया के, यानी जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है उसके हेल्प से क्या करता है, बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक। तो पैरामीशियम क्या है,
पैरामीशियम इज अ स्लीपर शेप्ड यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल। पैरामीशियम एक स्लीपर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। इसके बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इट मूव्स फास्टर विद द हेल्प ऑफ सीलिया, यानी इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसकी हेल्प से पैरामीशियम क्या करता है, बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे अगले सिंगल सेलुलर जो आपके थे यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, युगलेना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट जो है वो क्या है, युगलेना। ये भी क्या आपका एक सिंगल सेल, ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। युगलेना इज अ स्पिंडल शेप्ड ग्रीन कलर यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। युगलेना भी आपका क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है। इसका फिगर आपके बुक में दिया है, आप इसको क्लियरली देख पाएंगे वहाँ पे। युगलेना इज अ स्पिंडल शेप्ड ग्रीन कलर्ड यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। तो जो आपका युगलेना होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होता है, कलर किस तरीके का होता है, इसका ग्रीन कलर का होता है, और ये भी आपका क्या, एक एक्वेटिक एनिमल है और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैगेलम, ठीक है। इसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैगेलम कहते हैं, ठीक है, एज इट्स एंटीरियर एंड, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये एंटीरियर एंड होता है, मींस जो लास्ट एंड होता है इसको माना जाता है, ठीक है। फ्लैगेलम हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट, और ये फ्लैगेलम क्या करता है, इसको मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट टेक्स फूड थ्रू गलेट, और ये अपने फूड को किसके थ्रू लेता है, गलेट की हेल्प से लेता है, ठीक है। इसका फिगर आप अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसका फिगर जो है अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नोट करते हैं, इट हैज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैगेलम, ठीक है। As its anterior end, flagellum helps it in movement. It takes food through gullet, ठीक है। ये किसके थ्रू, अपने गलेट के थ्रू फूड को क्या करता है, लेता है, ठीक है। अभी इसका फिगर मैं आपको समझाऊंगा। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प्स एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ठीक है। और इसके अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो किस पे हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर में, ठीक है। The contractile vacuoles helps absorption. The contractile vacuoles helps absorption and excretion of water. ठीक है। तो यहाँ इसके बॉडी के अंदर जो contractile vacuoles होते हैं, ठीक है, वो क्या हेल्प करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में और एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने किसके बारे में देखा, ये हम लोगों ने देखा युगलेना के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको युगलेना का जो शेप और साइज है, ठीक है, उसके शेप साइज के बारे में बताऊंगा, फ्लैगेलम किसको कहते हैं और गलेट क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, युगलेना का फिगर बनाया, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता था, स्पिंडल शेप्ड होता था, तो स्पिंडल शेप्ड मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, युगलेना, ठीक है। युगलेना के बारे में मैंने बताया था कि इसके पास क्या होता है, एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, एक बाहर क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैगेलम। ये क्या करता है, युगलेना के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, एज इट्स एंटीरियर एंड, और ये क्या होता है, इसका एक लास्ट एंड होता है, ठीक है। ये जो आप हेयर लाइक
बिग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से ये जो अपना फूड है वो किसकी हेल्प से लेता है, अपने गलट की हेल्प से लेता है, ठीक है। ये यहाँ से अपना फूड इनटेक करता है, ठीक है। और ये इसका क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, युगलेना के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद से हम अपने अगले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या था, कैलाइडोमनास, ठीक है। इसके स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, CHLA कैलमी डोमनास, ठीक है, कैलमी डोमनास, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना, ठीक है। तो कैलमी डोमनास क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर एक्वेटिक प्लांट, ये क्या होता है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। ये भी आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, एक और जानवर नहीं, एक एनिमल नहीं, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। और विप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैगेलम हेल्प्स इट टू फ्लोट इन वाटर, ठीक है। इसके पास भी क्या होता है, फ्लैगेलम होता है, a whip-like structure called flagella helps it to float on water। तो इसके पास भी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हेल्प करता है वाटर में फ्लोट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स, its green color is due to the presence of chloroplast in the cells। यानी क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के अंदर हम लोगों ने देखा था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब इसके फिगर को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिगर इसका कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो फिगर होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दो स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैगेला कहते हैं, फ्लैगेला, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। ये आपका किसका फिगर है, कैलमी डोमनास, कुछ इस तरीके का इसका फिगर होता है। यहाँ सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको आप बुक से अपने देखेंगे, यहाँ पे आपका वैक्यूल होता है, ठीक है। तो ये इसका फिगर था, ठीक है। और बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। ये कहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में होता है, ये एक प्लांट सेल है, तो इसीलिए यहाँ पे एक सेल वॉल भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ग्लाइडोमनास क्या होता है, कैलमी डोमनास क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और कैसा है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक। ये क्या करता है, इसके पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो आप एक दो विप लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैगेला कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, वाटर में इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब हम अपने लास्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट भी क्या है, एक तरह का सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके बारे में भी देखते हैं, यीस्ट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर प्लांट, यीस्ट भी क्या होता है, एक यूनिसेलुलर प्लांट है, इट इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर प्लांट। तो यीस्ट भी हमारा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर प्लांट है, ठीक है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये फंगाई ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू फंगाई ग्रुप, ठीक है। तो फंजाई के ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, फर्मेंटेशन कॉज करता है, ठीक है। जिस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में मैंने यीस्ट के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था, और वहाँ पर बताया था किस तरीके से फर्मेंटेशन की हेल्प से हम लोग क्या करता है, शुगर से अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट कॉजेज फर्मेंटेशन TATION इट कॉजेज फर्मेंटेशन इन फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, फर्मेंटेशन का काम होता है, ठीक है।
और ये क्या करता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, ठीक है। आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में मैंने यीस्ट के बारे में बताया था, यीस्ट भी एक तरह का क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर प्लांट है, ठीक है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका काम क्या होता है, फर्मेंटेशन। यीस्ट का शेप कैसा होता है, यीस्ट आपका ऐसा कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपके ये क्या है, फंजाई ग्रुप का यूनिसेलुलर प्लांट है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें जो सेल की बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपका सेल वॉल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक। यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल्स के बेसिक पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज देखा कि सेल एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया, सबसे पहले अमीबा के बारे में बताया, ठीक। फिर पैरामीशियम हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा कैलमीडोमनस के बारे में देखा, ठीक है। यूग्लिना के बारे में देखा और यीस्ट के बारे में देखा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो एक सिंगल सेल के बने हुए थे, और इनकी बॉडी भी क्या करती है, सारे लाइफ फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा सेल एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया, अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा के बारे में पढ़ा, पैरामीशियम के बारे में पढ़ा, यूग्लिना के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर कैलमीडोमनस के बारे में और यीस्ट के बारे में, तो टोटल 5 यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी सॉल्यूशंस होंगे एक्सरसाइज के वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जो भी मैंने पढ़ाया है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको साथ साथ में आप कंप्लीट करते हुए चलिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।